हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू अन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बच चुके हैं दोपहर के बारह और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में जाइए सभी का स्वागत है ठीक है बच्चों अब देखो बच्चों होता क्या है कि आज है आपका 10 जनवरी और एग्जैक्टली exactly आज से तीन महीने बाद, मतलब आज से दिन के बाद आपका जो है होना है सी डी एस ओ टी ए वन टू थाउजेंड 1 2022 का एग्जाम मतलब 10 अप्रैल 2022 को आपका पेपर है तो अब 90 दिन बचे हैं तो हमने सोचा कि भाई 90 दिन के लिए आपके लिए कुछ सीरीज शुरू कर दी जाए क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सी डी एस के एग्जाम में जो बॉटल नेक होने वाला है जो कहते हैं ना गले की हड्डी बनने वाला है जिसे बेटा आप कहते हैं जनरल स्टडीज तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट कराऊंगा डेली एक मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चन का डेली so एक मॉक टेस्ट करेंगे हम चालीस क्वेश्चन का और डेली हम जो है पूरी जीएस की प्रैक्टिस करेंगे ये एक तरह का मिनी मॉक है चालीस क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस करेंट अफेयर मिसलेनियस डिफेंस जी के सबका कॉम्बिनेशन होगा ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है ये पूरा मॉक टेस्ट है मतलब वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि 120 क्वेश्चन का होता है या 40 क्वेश्चन का है जब 120 क्वेश्चन हम करते हैं सो हमें मार्क्स कितने लाने होते हैं कम से कम हमें 50 से 60 नंबर लाने होते हैं तो आप जब 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करना कि 18 से 20 नंबर से ज्यादा तुम्हारे इस एग्जाम में आने चाहिए तब लगेगा मुझे कि कुछ अच्छा हो रहा है और आपके एग्जाम को देखते हुए हमने क्या किया है कि आपके एग्जाम को हमने देखते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करी है याद रखिएगा नहीं नहीं बेटा ये जो मॉक टेस्ट है दो घंटे का नहीं होगा सिर्फ चालीस क्वेश्चंस का होगा तो सिर्फ चालीस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है 120 क्वेश्चन का नहीं है याद रखिएगा ठीक है तो आपको चीजों को देखते हुए हमने पूरी सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है टारगेट सीडीएस ओटीए एफ का टू प्रैक्टिस बैच देखिए आज से ही बैच शुरू हुआ है जिसमें हर सब्जेक्ट की आपको दिन में दो क्लासें मिलेंगी ठीक है तो अब आप देख सकते हैं अंग्रेजी की क्लास सुबह आठ बजे और शाम को छह बजे तो अंग्रेजी जो है वो सुबह आठ और शाम को छ मैथ्स की क्लास सुबह दस बजे और शाम को चार बजे ठीक है ज्योग्राफी की क्लास सुबह नौ बजे और साइंस की क्लास रात आठ बजे और बारह बजे जीएस और सात बजे जो है आपका करंट अफेयर्स तो बारह बजे जीएस और सात बजे जो है वो करंट अफेयर्स होगा तो दो क्लास मेरी हैं दो क्लास अमित सिसोदिया सर की हैं दो क्लास अर्पित पांडे सर की हैं और दो क्लास रोहित ठाकुर सर की हैं सो डेली आठ क्लासे आपको मिलेंगी सुबह आठ बजे से लेकर रात नौ बजे तक बेहतरीन सेशन चलेंगे आपको दोपहर में आराम का भी मौका मिलेगा तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो पेड बैचेस अफोर्ड नहीं कर सकते आपके लिए ये शेड्यूल आप देख लेते हैं आपके लिए चलेगा ठीक है आप देखो बेटा हर सैटरडे को आने वाले सैटरडे से हर सैटरडे को एक बड़ी मैराथन होगी जैसे कि इस बार मेगा मैराथन आप देख सकते हैं तो 15 जनवरी मतलब इस सैटरडे को मैराथन मेरी होगी दोपहर को 12 बजे So, दोपहर 12 बजे इस सैटरडे को मेरी मैराथन होगी जिसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स में नवंबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा सो so, नवंबर 2021 का करंट अफेयर जो आपने नहीं पढ़ा है पूरा नवंबर का एक साथ पढ़ा दूंगा ठीक है तो ये क्लास 15 जनवरी को मतलब कमिंग सैटरडे को ये क्लास है तो बिल्कुल भैया इसे भूलिएगा मत जाकर अभी से लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा ताकि इस क्लास को आप मिस ना करें अब भाई जल्दी से यार नीचे लाइक बटन जो दमा हुआ है 39 लोग वाचिंग हो और नीचे लाइक बटन सिर्फ 10 हैं, जरा उसे दबाओ यार फटाफट सब लोग जो हैं लाइक बटन दबाते रहा करो हां जी तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बता दू मेरा नाम कासिफ अंसारी है टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा दस साल से ज्यादा हो चुका है मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं हूँ प्लस पर दो लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए हैं खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं मुझे अन अकेडमी पे ट्रूप जीनियस का अवार्ड मिल चुका है आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमी करंट अफेयर मिसलेनियस सब कुछ मैं पढ़ाता हूं यह हमारा टेलीग्राम चैनल है क्यू एंड ए एकेडमी ये उसका लिंक है इसके साथ जुड़ जाइए अपडेट्स नोटिफिकेशन और पीडीएफ कहते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही एग्जाम के माहौल में रहना जरूरी है और यह टेलीग्राम चैनल आपको एग्जाम के माहौल के साथ जोड़े रखेगा सो लेट्स क्रैक सी डी एस एफ कैट सी एफ विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्मेडमी यहां डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान अनलिमिटेड प्रैक्टिस अनलिमिटेड एक्सेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं अब ये बैच अब देखिए आज से मेरा एक पेड बैच शुरू हो रहा है दस जनवरी आज से दोपहर डेढ़ बजे मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी का सी डी एस ओटीएस सी ए के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके लिए आज मेरा बैच शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी का पेड बैच शुरू हो रहा है दोपहर को डेढ़ बजे अन अकेडमी के ऐप पर आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप चाहे तो प्लस सब्सक्रिप्शन लें चाहे आइकॉनिक लें जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो बारह महीने का होता है मेरा कोड याद रखिएगा क्यू एल लाइव इससे क्या है कि तुम्हें दस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है तो अब देखो बेटा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं उसमें थोड़े से फायदे हैं जैसे लाइव क्लासेस में है, में प्रायोरिटी प्रायोरिटी है है डाउट लेकिन आप चाहे तो प्लस लें चाहे आइकॉनिक लें दोनों अच्छे हैं आपको बस 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेना है अपनी तैयारी करने के लिए ठीक है अब जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक like बटन दिखा दें इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां पर भी आप इस्तेमाल करते हैं वहां शेयर कर दें और मुझे हरी झंडी दिखा दें फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए मजा आ जाएगा तो भाई चालीस क्वेश्चन आए आपको बीस से बाईस क्वेश्चन सही करने हैं तो चालीस में से बीस से बाईस क्वेश्चन आज सही करने हैं बेटा देखो अगर क्वेश्चन ना आए स्किप कर देना आपको करना क्या है आपको अपने पेज पर इस तरह से आपका पेज है वन टू थ्री फोर फाइव करते हुए 40 तक लिख लीजिए सही जवाब के आगे ऐसे टिक लगा देना गलत के आगे ऐसे कर देना स्किप के सामने ऐसे कर देना तो या तो याद तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो या स्किप कर रहे हो और याद रखना हमेशा क्वेश्चन स्किप इज इक्वल टू मार्क्स सेव तो क्वेश्चन को स्किप कर देना मार्क्स बचाने के बराबर होता है मेरे बच्चे ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट द सेशन चलो भाई बहुत बढ़िया लाइक और शेयर हो गया बहुत बढ़िया तेजी से लाइक और शेयर होते रहना चाहिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीरज तो गुप्ता डायनेस्टी का क्वेश्चन है कि पहला राजा कौन सा था जिसने टाइटल महाराजा धीरज उपनाया था तो चंद्रगुप्ता वन थे चंद्रगुप्ता सेकंड हैं समुद्रगुप्त हैं या सीरी गुप्ता है जल्दी बताइएगा गुप्ता डायनेस्टी में कौन सा ऐसा राजा है जिसने टाइटल दिया था खुद को महाराजा धीरज महाराजा धीरज की उपाधि किसने दी थी सो चंद्रगुप्ता वन चंद्रगुप्ता टू समुद्र या सीरी गुप्ता बहुत ही आसान क्वेश्चन है महाराजा धीरज की उपाधि जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्ता वन जो कि 319 एडी में शासक बने थे सो so 319 एडी में जो हैं चंद्रगुप्ता वन जो हैं, वो शासक बने थे और इन्होंने खुद को जो है महाराजा धीरज की उपाधि दी थी इन्होंने जो है लिचवी प्रिंसेस कुमारा देवी से विवाह किया था और शादी का एक समझौता हुआ था बहुत ही फेमस जिसमें कहा गया था कि जब शादी होगी तो आपको ऐसे सिक्के स्टार्ट करने पड़ेंगे जिसमें राजा और रानी दोनों की फोटो होनी चाहिए और नाम होना चाहिए तो इन्होंने पहले ऐसे सिक्के शुरू किए थे इसमें राजा और रानी दोनों की इमेज और दोनों की फोटो थी सो राइट आंसर जो है वो आपका जो है ए हो जाएगा चंद्रगुप्ता वन जो कि राजा घटोटक के बेटे थे याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन हु फाउंडेड द हिंदू एंड द स्वदेश मित्रन न्यूज पेपर भैया ये न्यूज पेपर किसने स्टार्ट किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं बाल गंगाधर तिलक हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं तो न्यूज़पेपर है हिंदू एंड स्वदेश मित्रन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इनमें से किसने जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हिंदू और स्वदेश मित्रन बहुत बढ़िया सो so, न्यूज़पेपर हिंदू एंड स्वदेश मित्रन जल्दी बताइएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं बाल गंगाधर तिलक हैं सु, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं हिंदू और स्वदेश मित्रन इनकी शुरुआत करी थी जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने तो जी सुब्रमण्यम अय्यर इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया राइट आंसर बच्चों यहां पर भी ए हो जाएगा जय हिंद आ जाइए बहुत बढ़िया तो जी सुब्रमण्यम अय्यर इज द राइट आंसर द सा, 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 सात वंडी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस हां जी तो सात वंडी रिवोल्ट कहां हुआ था महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात या उड़ीसा बहुत बढ़िया है क्वेश्चन जल्दी देखेगा सात वंडी रिवोल्ट हां जी आपने इसके बारे में सुना होगा बहुत ही बढ़िया फोन्ड सावंत और अन्ना साहिब के बारे में दो लोगों ने इसे शुरू किया था जिनका नाम था फोन्ड सावंत जी फोन्ड सावंत और अन्ना साहिब ये दो लोगों ने मिलकर के ये शुरू किया था सा, आ, सात वी रिवोल्ट बहुत बढ़िया हाँ। सात वं रिवोल्ट बिल्कुल सही है बेटा नाम से मालूम चल रहा है फोंड सावंत और अन्ना साहिब सावंत जो होते हैं बेसिकली महाराष्ट्र में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत अच्छे तो फोंड सावंत और अन्ना साहिब सात वं रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन द सात वंडी एरिया फोंड सावंत अन्ना साहिब वॉर द लीडर्स डिंग Ibn Battuta visit India विजिट इंडिया इन century? क्या बात है तो 14th सेंचुरी में जो Moroccan ट्रेवलर था Ibn Battuta आपको मालूम है बहुत ही इसने एक बड़ी फेमस किताब भी लिखी थी जिसका नाम था रेहला आप इसे सफरनामा के नाम से भी जानते हैं हां जी तो सफरनामा कह लीजिए या रेहला कह लीजिए बहुत ही फेमस किताब है जो कि इब्न बटूटा ने लिखी थी तो इब्न बटूटा जो है ट्रावलर थे किसके समय में आए थे आपको मालूम होना चाहिए इब्न बटूटा जो है 1338 एडी में इसके साम्राज्य में गया था बिल्कुल सही है भाई फिरोज शाह तुगलक तो 1351 से 1388 के बीच राजा थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 के बीच था अलाउद्दीन खिलजी बारह सौ छियानबे से तेरह सो सोलह के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक तेरह सौ पच्चीस से तेरह सो इक्यावन के बीच में सो राइट आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक सो मोहम्मद बिन तुगलक जो है राइट आंसर है जिसे बेटा फूल पढ़ा लिखा बेवकूफ भी कहा जाता था और ये इब्न बटूटा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साथ विजयनगर एम्पायर की जो यात्रा है वहां पर भी गया था सो ये विजयनगर एम्पायर भी गया था बहुत ही फेमस है शाबाश दारा ट्रांसलेटेड पर्शियन अंडर टाइटल बहुत फेमस क्वेश्चन है दारा शिको जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था और शाहजहां के मरने के बाद इसी को राजा बनना चाहिए था लेकिन इसका भाई जो था औरंगजेब उसने इसे बैटल ऑफ धर्मट जिसे बैटल ऑफ समुद्रगढ़ कहते हैं वहां पर हराया और इसकी गर्दन काट कर दिल्ली के खूनी दरवाजे पे टांग दिया लोग कहते हैं आज भी दिल्ली के खूनी दरवाजे पर इसका भूत टहलता है दारा दाराशिको बहुत ही लर्नड स्नान था और इसने गीता को भी फारसी में कन्वर्ट किया था और उपनिषद्स को भी फारसी में कन्वर्ट किया था सो तो जो उपनिषद को इसने फारसी में कन्वर्ट किया था उसको नाम इसने दिया था सिर्रे अकबर बिल्कुल सही है तो सिर्रे अकबर इज द राइट आंसर राइट आंसर बच्चों यहां पर बी हो जाएगा तो दारा शिको ने जो आपका उपनिषद हुआ करते थे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र सेक्रेट टेक्स्ट हुआ करते थे उपनिषद उसे पर्शियन में कन्वर्ट किया था और उसे नाम दिया था सिर अकबर याद रखिएगा बहुत बढ़िया वेरी गुड हु अमंग फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ एटीन इनमें से कौन है जो अट्ठारह की क्रांति में शामिल नहीं था लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी बेगम हजरत महल नाना साहेब या अशवाक उल्ला खान क्या बात है तो अट्ठारह की क्रांति में इनमें से कौन सा नहीं था हाँ जी बहुत बढ़िया तो अट्ठारह की क्रांति में इनमें से कौन सा नहीं था लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ नाना साहिब ऑफ बिठूर या अशवाक उल्ला खान तो बेटा सबको मालूम है कि हमारे जो अशवाक उल्ला खान साहब हैं ये तो आपके काकोरी ट्रेन रॉबरी से जुड़े हुए हैं यस yes, काकोरी ट्रेन रॉबरी से जुड़े हैं जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल अशवाक उल्ला खान रोशन सिंह ये सब जैसे लोग जो हैं चंद्रशेखर आजाद ये सब बेटा जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी जहां पर नाइन डाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी उसे लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में काकोरी नाम के एक स्टेशन पर लूटा गया था और उस जमाने में सवा तीन लाख रुपए की चोरी की गई थी बेटा उस जमाने में सवा तीन लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर है तो काफी बड़ी डकैती हुई थी लखनऊ के पास इसे कहा जाता है काकोरी काकोरी ट्रेन रॉबरी याद रखिएगा ठीक है हां जी काकोरी कबाब हां जी आप जानते ही होंगे यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने में में यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1934 में हमारे देश में आइडिया दिया था कि देश में कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए तो इंडिया yoga, quad, इन ट्रांजिशन सिंथेसिस ऑफ योगा कोर्ट फॉम दत्याग्रह इन चंपारण तो हमारे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे इनका नाम था श्री एम एन रॉय यही वो व्यक्ति हैं जिनका कहना था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए सो आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही दिया था बिल्कुल सही है तो इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन ठीक है बहुत बढ़िया राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत अच्छे क्या बात है जवाब आ रहे हैं बहुत बढ़िया फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होए होए क्या बात है बेटा आपको मैंने पढ़ाया है कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है एक होती है रिफरेंडम जिसे डायरेक्ट कहते हैं और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव जिसे इनडायरेक्ट कहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव चूजें थ्रू इलेक्शंस डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग फ्रेंचाइज टू पीपल नॉट अ फीचर इससे क्वेश्चन क्या होगा तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे भारत में पाई जाती है यूएसए में पाई जाती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है इसका मतलब है कि हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुन दिया है अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार कानून बनाने के लिए हमसे पूछने के लिए बाध्य नहीं है मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वहां पर जनता जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है डिसीजन मेकिंग में तो जहां पर डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करेगी डिसीजन मेकिंग में वो रिफ्रेंडम डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और ऐसी डेमोक्रेसी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में मिलती है जिसे बेटा हम स्विट्जरलैंड कहते हैं इसके अलावा दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है वो सब बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं भैया अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमने चुन दी अब उन्हें नोटबंदी करना है जीएसटी लाना है पाकिस्तान के साथ खेलना है पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है हमें जो है एनआरसी लानी है सीए लाना है हमने सरकार के हाथ में छोड़ दिया लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में होंगे तो स्विट्जरलैंड में भैया नोटबंदी होगी या नहीं होगी जीएसटी लागू होगा नहीं होगा ये जनता खुद डिसाइड करेगी उसे बेटा रिफरेंडम डेमोक्रेसी कहा जाता है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्रियांबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड यूएसए फ्रांस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक तो भैया प्रियांबल के ओपनिंग वर्ड्स क्या हैं? तो प्रियांबल के ओपनिंग वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया

संविधान से बोरोड है और इसी में पहला शब्द बताया गया है वी द पीपल हम भारत के लोग मतलब यहां पर बता दिया गया है कि हमारे संविधान को जो ताकत है वो भारत की जनता दे रही है वी द पीपल हम भारत के लोग ठीक है शाबाश क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर ए है इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ग्राम पंचायत हैज बीन सेटअप पार्ट थ्री पार्ट नाइन पार्ट सिक्स पार्ट सेवन बहुत आसान है ग्राम पंचायतों का जिक्र आपको मालूम है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ए में किया गया है तो जो ग्राम पंचायत हैं उनका जिक्र जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ए में किया गया है और ये कौन से पार्ट में है पार्ट थ्री नाइन सिक्स और सेवन टू हंड्रेड फोर्टी थ्री ए आपको मालूम है पंचायतों का जिक्र जो है वो भारतीय संविधान के शेड्यूल इलेवन पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है राइट आंसर इज बी भाई साहब ताबड़ तोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे बच्चे इसे कहते हैं ताबड़ तोड़ तबाही हाँ जवाब भाई साहब लगा दो अब आग अब नब्बे दिन बचे हैं अब युद्ध भूमि जो है ना बेटा तुम्हें पुकार रही है और अब अगर योद्धा जो है तलवार छोड़ के भाग गया तो फिर बेटा फिर अब अप्रैल का एग्जाम भूल जाना फिर सितंबर की तैयारी करना अगर अप्रैल 2022 को निशाना बना रहे हो तो बेटा तलवार उठा लो क्योंकि योद्धा का जो सबसे बड़ा धर्म है वो तलवार उठाना है और तुम एग्जाम के योद्धा हो तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है कलम उठाना तो कलम उठाओ क्रांति करो एग्जाम निकालो और डंडे गाड़ दो बेटा झंडे गाड़ दो डंडे उखाड़ कर याद रखना यह है जीवन के सत्य बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू बलवंत राय मेहता कमेटी इट एम्स टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस द मेन रिकमेंडेशन वॉज अ थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम बहुत बढ़िया So, बलवंत राय मेहता कमेटी आपको मालूम है हमारे देश में 1952 में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद आपको मालूम है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने हमारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था समुदाय विकास कार्यक्रम हालांकि समुदाय विकास कार्यक्रम का जो मेन एम था वो था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और उसके साथ लोगों का पार्टिसिपेशन होना लेकिन समुदाय विकास कार्यक्रम अच्छा काम नहीं कर रहा था तभी फरवरी 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता कमेटी को बैठा दिया था बलवंत राय मेहता साहब ने अपनी रिपोर्ट जो है नवंबर 1957 में सबमिट करी और उन्होंने कहा कि यह महाबकवास कार्यक्रम है इसे बंद करके एक थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और देश में वही किया गया बिल्कुल सही है सी इज द राइट आंसर बोथ वन एंड टू शाबाश शाबाश मेरे जवानों और शाबाश बहुत बढ़िया पटो लग जाओ बिल्कुल तबाही इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया देखो भैया अब इन्होंने कहा है कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको हमारे देश में एक बार में पूरे भारत में एक साथ कौन से इलेक्शन में किया गया था इस्तेमाल भाई आपको वैसे मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे देश में एग्जिस्टेंस में आई 1982 में. 1982 में 1982 में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामने आती है और सबसे पहली बार इन्हें केरला के इलेक्शंस के में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके देश हमारे देश में दो कंपनियां मिलकर बनाती हैं जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दो कंपनियां मिलकर के ईवीएम बनाती हैं तो कौन सा इलेक्शन ऐसा हुआ था जिसमें ईवीएम पूरे देश में एक साथ इस्तेमाल हुई थी तो 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था जिसमें यूपीए वन की सरकार बनी थी श्री मनमोहन सिंह साहब की उस इलेक्शन में पहली बार ईवीएम पूरे भारत में एक साथ शुरू हुई थी हालांकि मैंने कहा जैसा कि ईवीएम का जो इंट्रोडक्शन है वो 1982 में हुआ था और सबसे पहले बार केरला के विधानसभा में इस्तेमाल किया गया था ईवीएम दो कंपनियां मिलकर बनाती हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेल और ईसीआईएल बहुत बढ़िया शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है तीन सौ अड़तीस तीन सौ उनतालीस तीन चालीस तीन इकतालीस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल बेटा सीएपीएफ क्यों नहीं होगा सीएपीएफ कोई अलग थोड़ी ना है जीएस शाबाश तो यहां पर पूछा गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल में है बिल्कुल सही है 338 में है तीन सौ ए में है और ये तीन बी में है बिल्कुल सही है सो राइट आंसर विल बी 338 हंड्रेड थर्टी एट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग याद रखिएगा द गवर्नर ऑफ द स्टेट में अपॉइंट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ स्पेशल नॉलेज और पॉलिटिकल पॉलिटिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टेन एरिया सच एज साइंस लिटरेचर आर्ट कॉपरेटिव मूवमेंट डिफेंस जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया साइंस लिटरेचर आर्ट कॉपरेटिव मूवमेंट डिफेंस क्वेश्चन नंबर चौदह बहुत बढ़िया हां जी क्वेश्चन नंबर चौदह को देखिए गलत नहीं होना चाहिए भाई तो गवर्नर जो है आपको मालूम है लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल सदस्यों के एक बटा छह सदस्य नियुक्त कर सकते हैं तो यहां पर पूछा गया है कौन कौन से क्षेत्रों से कर सकते हैं बेटा देखो डिफेंस के क्षेत्र से नहीं हो सकते तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा पांचवा तो बिल्कुल नहीं होगा मतलब गारंटी है तो आंसर अपने आप ही सामने आ गया एलिमिनेशन मेथड लगा दो बेटा एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं लगाते हो एलिमिनेशन मेथड विल ऑलवेज वर्क ये ऐसा मेथड है जिसे कहा जाता है बेटा रामबाड़ मूवमेंट ये रामबाड़ मेथड है ये कभी गलत नहीं हो सकता बाबा नेक्स्ट वट इज द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन बहुत बढ़िया सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच का जो, जो जोन होता है उसे हम क्या कहते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये केप्रिकॉन है सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है बिल्कुल सही है तो इसके बीच का जो, जो जोन है ये जो इसके बीच का ये जो जोन है इसे हम क्या कहते हैं

राइट आंसर सी हो जाएगा टॉरेड जोन इज द राइट आंसर शाबाश बेटा टेम्परेट तो इसके ऊपर मिलेगा ना ये टेम्परेट है ये टेम्परेट है और ये जो है ये फ्रिजेड है ये फ्रिजेड है ये टेम्परेट है ये टॉरेड है, है कहां जाते हो बाबा विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स इनमें से कौन सी माइनर प्लेट्स हैं अंटार्क्टिका एंड नजगा नजगा एंड कोकोस कोकोस एंड एंटार्क्टिका यूरेशियन एंड एंटार्क्टिका क्या बात है तो आपको मालूम है टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मेजर भी होती हैं और माइनर भी होती हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए बहुत बढ़िया तो मेजर भी होती हैं और माइनर भी होती हैं तो जाहिर सी बात है अंटार्कटिका प्लेट तो बहुत बड़ी प्लेट है बेटा वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती तो अंटार्क्टिका के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है तो अंटार्कटिका तो हो ही नहीं सकता आंसर अपने आप ही सामने आ गया राइट आंसर बी है नजका एंड कोकोस प्लेट नजका और कोकोस जी तो मेजर टेक्टोनिक प्लेस आर अंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन अफ्रीकन इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन हैंस द अंटार्कटिक प्लेट इज नॉट अ माइनर प्लेट याद रखेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड टॉकटे स्ट्रक द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात विच कंट्री हैज नेम साइक्लोन टॉकटे भूटान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर सत्रह इससे कहते हैं लल्लू छाप क्वेश्चन भाई साहब टॉकटे कितनी बार पढ़ाया है सो so, ये टॉकटे नाम किसने दिया है भूटान है बांग्लादेश है श्रीलंका है म्यांमार है तो यह नाम जो है टॉकटे किसने दिया है बहुत अच्छे वेरी गुड तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है टॉकटे जिसने गुजरात को हिट किया था यह नाम टॉकटे किसने दिया है बिल्कुल सही है राइट आंसर इज डी दैट इज मार मयनमार इज द राइट आंसर डी हां जी द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन तो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कहां गिरता है ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोसफेयर ट्रोपोस्फेयर एंड आइजोसफेयर नन ऑफ द अब बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर अट्ठारह दिस इज कॉल्ड एज अ लल्लू छाप क्वेश्चन तो एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको मालूम है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर टेम्परेचर की एक खासियत है कि हर एक मीटर चलने पर तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आती है तो यहां पर ट्रोपोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर है मीजोस्फेयर है आइनोसफेयर है एग्जॉस्फेयर है सो so, ट्रोपोस्फेयर तो गारंटी होगा और मिजोसफेयर आपको मालूम है कि वो हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है सो एंड राइट आंसर विल बी बी बेटा यहां पर आइनोस्फेयर में कहां से आओगे आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर कहा जाता है मेरे भाई बहुत गर्म होती है आयन इसीलिए तो थर्मा है थर्मोस्फेयर ठीक है राइट right आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा द ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड अलॉन्ग विच ऑफ द कोस्टल स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड कितना आसान है भैया अब आपको मालूम है कि ये देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहां मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा हां जी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड्स होते हैं जिन्हें ग्रेट बैरियर रिफ कहते हैं तो न्यू साउथ वेल्स तो बेटा ये आपका साउथ वेल्स है साउथ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होगा वेस्टर्न तो यहां पर पर्थ हो गया या सिडनी हो गया इधर भी नहीं होगा राइट आंसर ये क्वींसलैंड राइट आंसर बी डी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको राइट आंसर डी हो जाएगा सारे गलत है न्यू साउथ वेल्स कैसे हो जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग डल लेक बुलर लेक पेनोंग लेक लोकटाक लेक इनमें से कौन से फ्रेश वाटर लेक्स हैं जल्दी बताइएगा इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है फास्ट तो फ्रेश वाटर लेक इनमें से कौन सा है डल लेक वूलर लेक पेनोंग लेक या लोकटाक लेक अरे यार बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है पैनोंग लेक याद रखिएगा कि चाइना में जो है वो फ्रेश वाटर है भारत में सॉल्ट वाटर है बिल्कुल गलत है आप लोग लद्दाख जाते हैं पेनोंग लेक आप देखिएगा वो जमती नहीं है क्यों नहीं जमती है क्योंकि सॉल्ट वाटर है सो so, डल बुलर लोकटाक वन टू एंड फोर राइट आंसर सी है पेनोंग सो जो है वो तो बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक है सलाइन लेक है बेटा हाँ जी बीस क्वेश्चन हो गए हैं हमारे बीस क्वेश्चन हो गए एक बार भाई साहब सारे लोग लाइक बटन को ठोक दो दबा करके ठीक है सारे लोग लाइक बटन जो है दबा कर ठोक दो भाई बिना किसी देरी के शाबाश जल्दी से विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रुव फॉरेस्ट तो मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रूव फॉरेस्ट कहा मिलेगा आसाम आंध्र वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश जल्दी बताइएगा तो मैंग्रुव फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया कहा मिलेगा आपको तो आसाम आंध्र वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश आसाम आंध्र वेस्ट बंगाल यूपी तो मैंग्रुव फॉरेस्ट जो होते हैं उनका मैक्सिमम एरिया कहा मिलता है आसाम आंध्र वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है तो मैंग्रूव फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया जो है पश्चिम बंगाल मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा सार्थक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डिफाइंड एज क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा तो नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स न्यू इनिशिएटिव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन न्यू दिल्ली इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन जल्दी बताइएगा सार्थक सार्थक आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा ये क्या है तो सार्थक नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव न्यू इनिशिएटिव टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन None ऑफ द अब जल्दी देखिएगा तो सार्थक की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22। सो ये है इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। राइट आंसर सी है क्वेश्चन नंबर बाईस का राइट right आंसर जो हो जाएगा वो सी है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 क्वेश्चन नंबर 23। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 किसने निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल जी, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है बहुत ही फेमस रिपोर्ट है और इसे निकाला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जिसे कहते हैं UNCTAD एन सी हाँ जी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज अ टाइटल द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया रिसीव चौसठ बिलियन इन एफ डी आई दो हजार बीस द फिफ्थ लार्जेस्ट रिपीपेंट फ्लो इन द वर्ल्ड तो इन्होंने बताया कि भारत में जो है चौसठ बिलियन एफ डी आई में आया है म द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ट्वेंटी एट ईयर टू विन द कांस फिल्म फेस्टिवल पाम्ड हाँ जी <coughs> जल्दी बताओ फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ट्वेंटी एट ईयर्स टू विन द कांस फिल्म फेस्टिवल हांजी पामड और हाँ जी तो सेल्वी uh, uh, बैलियोट हैं मोना एकाके हैं जूलिया डॉकर्ना है या लॉरेंस फेरिया बर्बोसा है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर तो पहली महिला डायरेक्टर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ईयर में जल्दी बताइएगा बहुत ही फेमस कांस फेस्टिवल पाम डिओर जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राइट आंसर इज सी इज जूलिया जुकरनाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट आंसर सी हो जाएगा जूलिया डकरनाओ डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दहला डैम क्वेश्चन नंबर पच्चीस तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना बांग्लादेश जल्दी बताइएगा डेहला डैम कहां पर है डेहला डेहला डैम जल्दी बताइएगा अफगानिस्तान विच प्रोवाइड इिगेशन टू फार्मर्स एज ड्रिंकिंग वाटर प्रोविंशियल कैपिटल नाउ अंडर द तालिबान कंट्रोल रिनेमड पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एज नॉर्थ नटूना सी जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिएगा तो विच रिनेम्ड पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एज नॉर्थ नटूना सी इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनाई फिलिपाइन जल्दी बताइएगा इंडोनेशिया मलेशिया बुरोना या फिलीपींस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर छब्बीस को देखिए विच कंट्री हैज रिनेम्ड पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एज द नॉर्थ नटूना सी तो साउथ चाइना सी को नॉर्थ नटूना सी नाम दिया गया है जी। तो साउथ चाइना सी को नॉर्थ नटूना राइट आंसर इज ए दैट इज इंडोनेशिया सो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर इन जून आसाम हजार इक्कीस पार्क ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो काजीरंगा मानस रायमोना या हां जी क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा कि पूछा गया है छठा नेशनल पार्क हां जी आसाम में आपको मालूम होगा आसाम में अभी छठा नेशनल पार्क आया है जो कि आसाम का बहुत ही फेमस कोकराझार जिला हां जी सो आसाम के कोकराझार जिले में आया है तो आसाम का बहुत ही फेमस जो है कोकराझार जिला वहां पर आया है छठा नेशनल पार्क काजीरंगा मानस रायमोना या ओरांग हां जी बहुत बढ़िया राइट आंसर इज सी दैट इज रायमोना नेशनल पार्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का राइट आंसर सी है नीरज चोपड़ा होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर करंट वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड होल्डर बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू नीरज चोपड़ा भाई साहब इस समय तो आप जानते ही हैं हमारे देश में इस समय इनका जो मुकाम है वो एक नेशनल हीरो से कम नहीं है बिल्कुल बेटा ठीक है और इन्होंने जो किया है जो हासिल किया है वो वाकई में फिनोमिनल है इसमें कोई शक नहीं है तो नीरज चोपड़ा साहब करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, करंट वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड होल्डर हैं बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू सो राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा बोथ वन एंड टू जी जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड एवर याद रखिएगा तो एथलेटिक्स में आपको मालूम है गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं कमलप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिस्कस थ्रो वेस्लिंग बॉक्सिंग या बैडमिंटन जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कमलप्रीत सिंह कमलप्रीत सिंह कौर जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया नाम से मालूम चल रहा है पंजाब हरियाणा के साइड की हैं कमलप्रीत कौर जी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कमलप्रीत कौर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जल्दी बताइएगा डिस्कस थ्रो रेसलिंग बॉक्सिंग या बैडमिंटन डिस्कस थ्रो रेसलिंग बॉक्सिंग बैडमिंटन बिल्कुल सही है सो राइट आंसर विल बी डिस्कस थ्रो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर ए है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एस पर सेंस 2021 तो सेंसस 2021 के तहत नेगेटिव ग्रोथ रेट भारत के किस राज्य में हुई है वाह भाई वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहां नेगेटिव ग्रोथ हुई है मतलब 2001 में मान लीजिए कि 2001 में 100 लोग थे दो में नब्बे लोग हो गए तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर निगेटिव ग्रोथ हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जहां पर 2011 में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज योर नागालैंड सो नागालैंड इज द राइट आंसर जहां पर ग्रोथ जो है 0.5 परसेंट नेगेटिव दिखाई गई थी हां जी तो 0.5 परसेंट नेगेटिव भाई साहब एक बार सारे लोग लाइक बटन एक बार फिर से दबा दें यार मजा आएगा एक बार सारे लोग फिर से लाइक बटन जरूर दबा दें आप दिल खुश हो जाता है आप लोग जब लाइक बटन दबा देते हैं एक बार फिर से द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिवर्ड कर्व हाँ जी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो यहां पर पूछा गया है वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व डिमांड कर्व कैसा होता है देखो ऐसा डिमांड कर्व हमेशा जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व होता है तो वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होती है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या इंफिनिटी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या इन्फिनिटी तो वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व जो होती है वो बेसिकली एक नेगेटिव इन नेचर होती है। राइट आंसर इज बी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल इन इंडिया हां जी तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है आपको मालूम है एक क्वालिटेटिव होता है एक क्वांटिटेटिव होता है तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट या वेरिएबल कॉस्ट एंड रिजर्व इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल थर्टी टू तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल क्वेश्चन नंबर थर्टी टू तो जाहिर से बात है वेरिएबल कॉस्ट एंड रिजर्व ये बेसिकली जो है ये क्वांटिटेटिव होता है हाँ जी वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना थर्टी थ्री वन बंधु कल्याण योजना अब वन में कौन रहता है तो वन बंधु क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखिएगा टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स वन बंधु कल्याण योजना तो वन के जो बंधु हैं उनके जो कल्याण है उसकी योजना तो वन बंधु कल्याण योजना वन बंधु कल्याण योजना का में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है राइट आंसर इज डी दैट इज वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स सो ट्राइबल के वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव थर्टी थ्री ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डैश डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज डैश द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज थर्टी फोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्टी फोर देखो बहुत आसान है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज बहुत ही आसान है यार इसमें क्या है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है लल्लू छाप बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डैश डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज तो राइट आंसर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर हां जी 34 का राइट आंसर सी है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज गिवेन बाई जी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसने दिया था डाल्टन डोबेरनियर या मोजली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था ना भैया ये हमारे मैदान छोड़ने वालों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव राइट आंसर इज डी दैट इज मोजले जी शाबाश डी इज द राइट आंसर मोजले गेव द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉस्ट अटोमिक नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट आइसोटोप थर्टी सिक्स the same atomic number but different mass, isobars. Atoms with same atomic number but different atomic mass, आइसोटो आइटम्स विद सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटोन नंबर आइसोमर्स एलिमेंट विद सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हाँ जी नॉट करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कौन सा सही नहीं है ठीक है सो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा Atoms with same but क्लास का बच्चा बता देगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन या स्कैटरिंग हां जी तो सन जो है मॉर्निंग और इवनिंग में रेडिश क्यू दिखता है ऐसा क्यों होता है तो सन मॉर्निंग और इवनिंग में रेडिश क्यों दिखता है बहुत बढ़िया मॉर्निंग इवनिंग में रेडिश दिखता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन या स्केटरिंग बहुत आसान बिल्कुल सही है दिस इज ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ लाइट हां जी ये स्केटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है शाबाश स्केटरिंग ऑफ लाइट च ऑल द फॉलोइंग डिफेक्ट इज कॉज इन द आई ड्यू टू द डेविएशन इज स्फेकल करवेचर हां जी कौन सा डिफेक्ट जो है आई में होता है ड्यू टू डेविएशन इज फेरिकल करवेचर थर्टी एट हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया प्रेस बायोपिया या एस्टिगमेटिज्म हां जी कॉज इन द आई ड्यू टू डेवियशन इज फेरिकल करवेचर थर्टी एट थर्टी एट का राइट right आंसर बहुत बढ़िया हाँ। तो राइट आंसर इज एस्टिक मेटिज हाँ जी थर्टी एट का राइट आंसर डी है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन तो इनमें से कौन सा जो है एनालॉगस ऑर्गन का उदाहरण है फोर लिम्स ऑफ अ फ्रॉग एंड फ्लिपर्स ऑन द वेल द लेग ऑफ अ डॉग एंड अ फ्लिपर ऑफ अ डॉल्फिन विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बैड्स विंग एंड अ वेल स्लिपर बहुत आसान थर्टी नाइन एनोलॉगस ऑर्गन्स तो इनमें से पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉगस ऑर्गन्स क्या है एनोलॉगस ऑर्गन्स बिल्कुल सही है राइट right आंसर है विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स थर्टी नाइन का राइट आंसर सी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज इनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस एल्बेनिज्म हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस कौन सी जेनेटिक नहीं है तो बहुत ही आसान है तो जेनेटिक नहीं है मतलब हेरिडिट्री नहीं है तो कौन से डिजीज इसमें से जेनेटिक नहीं है मतलब हेरिडिट्री नहीं है अनुवंशिक नहीं है परिवार से नहीं मिली है नाइट ब्लाइंडनेस एल्बेनिज्म हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही है राइट आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होती है डिजीज कंडीशन याद रखिएगा वाइटमिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हमारे यूपी में लोग कहते हैं रतौंदी हो गई है मतलब रात में नहीं दिखता है सूरज डूबा तुम भी बेटा फ्यूज हो जाओगे बहुत बढ़िया एक बार सारे लोग सेशन को लाइक बटन जरूर दबाएं और बताएं मार्क्स कितने आए हैं यार जल्दी पहले फटाफट मार्क्स भी बताएं और लाइक like बटन दबाएं चलिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये बताओ सेशन कैसा लगा मतलब ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है प्लीज बता दो वरना फिर बाद में मत कहना सर आपने बंद क्यों किया अन अकेडमी की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए फटाफट कर लीजिए ठीक है हां जी ये मेरा बैच आज से शुरू हो रहा है दोपहर को डेढ़ बजे से वन थर्टी पी एम हांजी वन थर्टी पी एम से बैच शुरू हो रहा है आप चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक आइकॉनिक में थोड़े फायदे होते हैं जैसे इसमें डाउट क्लियरेंस में, में प्रायोरिटी है लाइव क्लासेस में प्रायोरिटी है चाहे आप प्लस लें चाहे आइकॉनिक लें बेस्ट जो है वो 12 महीने का होता है बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का है मेरा कोड याद रखिएगा क्यूएल आपको मिलेगा 10 परसेंट का डिस्काउंट और आप जानते ही हैं ये आज से हमारी सीरीज शुरू हुई है जिसमें दो क्लास अंग्रेजी की दो क्लास मैथ्स की दो क्लास जीएस की एक जोग्राफी और एक साइंस ठीक है चार टीचर हैं इस सैटरडे को दोपहर बारह बजे मेरा बहुत बड़ा मैराथन होगा जिसमें नवंबर 2021 का करेंट अफेयर्स में पढ़ाने वाला थैंक यू सब लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा किशन थर्टी फोर ट्वेंटी एट सिक्स ठीक है बढ़िया है ठीक है अगस्त्य दूबे लगे रहिए मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी रख रहा हूं चलिए थैंक यू जय हिंद जय जाए भारत वंदे मातरम